टू टर्म डिनोमिनेटर। टू टर्म डिनोमिनेटर के अंदर पहला स्टेप होता है अगर आपके पास कोई ऐसा है स्क्वायर रूट के अंदर जिसके प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, तो हमेशा बना के देखना चाहिए कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। यहाँ स्क्वायर रूट में टू है तो अब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। रैशनलाइजिंग फैक्टर, ध्यान से सुनना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी टू टर्म डिनोमिनेटर होता है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर के अंदर भी टू टर्म्स होती हैं। नाइशा नोज दिस, बट आई, एक मिनट, आई वांट टू एक्सप्लेन इट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग यू। आपने कैसे करना है कनिष्क, आपने टर्म्स तो यही लेनी है जो नीचे दे रखी हैं, बस आपने बीच का साइन ऑपोजिट कर देना, चेंज कर देना। दिस इज योर रैशनलाइजिंग फैक्टर। कनिष्क, क्या ये आपको क्लियर है? यस मैम। यानी कि सपोज अगर आपका नीचे ऐसे दिया हुआ है तो व्हाट विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर? 7 - √5। राइट, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है हर्षिल, व्हाट विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर? √3 + √2। दैट इज राइट, नंबर्स आपके वही रहेंगे, बस आपका बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगला स्टेप वही, दो ब्रैकेट ऊपर, दो ब्रैकेट नीचे। पहले ब्रैकेट में आपने क्वेश्चन को लिखना है, सेकेंड ब्रैकेट में आपने अपने रैशनलाइजिंग फैक्टर को लिखना है। न्यूमरेटर, अगर वैसे तो यहाँ वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यही ब्रिक देंगे। डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखो तो एक आइडेंटिटी है। नाइशा इज वेरी एक्साइटेड टू गिव मी दैट आईडी। जोर से बोलो। क्या ये क्लियर है आपको? देखो ये क्या है, 3 + √2, 3 - √2। तो ये आइडेंटिटी आप 8th क्लास में भी सीखे थे, a + b, a - b = a² - b². दैट मींस डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कनिष्क आप मुझे बताओगे a क्या है यहाँ पर? मैम 3 और b क्या है? 2 2। यस, रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में हमेशा यही आईडी होती है, ठीक है? सो आगे सॉल्व करेंगे। सहाना, 3 का स्क्वायर? 9 - √2 × √2? 2 2। राइट, सो व्हाट विल बी द आंसर? न्यूमरेटर में कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, 9 - 2 = 7। अगर आप ध्यान दो, डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हट गया, 7 इज अ रैशनल नंबर, सो वी हैव रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है? दिस इज टू टर्म डिनोमिनेटर, ओके? राइट, नोट डाउन कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 8। What will be the rationalizing factor, Kanishk? फटाफट बताओ। √5 + √3। यहाँ तक clear है? Rationalizing factor ये है। अब numerator को भी RF से multiply, denominator को भी RF से multiply। अब numerator में बताओ क्या करेंगे? मैम ID लगाएंगे। Numerator में? अच्छा। हम multiply करेंगे 3√5 से। 3√5 से किसको? कौन से bracket को? फर्स्ट ब्रैकेट को। 3√5 को अपने से खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, √5 + √3 से। ऑफ कोर्स, ये बेसिक है, ब्रैकेट खोलना 9th क्लास के स्टूडेंट्स में मुझे थोड़ी हैरानी होती है जब ये नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में बताओ। हम आईडी लगाएंगे। आईडी लगेगी, राइट? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर? पहले √5 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलो कनिष्क अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना, रुको कनिष्क, मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है, पहले साइन बताओ। प्लस। यस, अब बिना रूट के मल्टीप्लाई करो। 3 और 3 को माइंड में रखना। अब रूट वाला मल्टीप्लाई करो।
3 or 5, 15. आगे करो, साइन बताओ. 3 प्लस पॉजिटिव बिना रूट p 3 विद रूट रूट 15. रूट 15. आगे चलो, साइन बताओ. प्लस ताना क्या कर रही हो, बिना रूट रूट बिना रूट के कुछ नहीं है तो वन नहीं रहेगा. नाउ रूट 3 इनटू रूट 5 रूट 15. आगे साइन बताओ. प्लस पी पी राइट. नाउ रूट 5 का स्क्वायर दो. 5 माइनस 3 पी. वेदिका कॉपी करने से ज्यादा ना समझो, चेक कर रही हो तुम. अच्छा कॉपी नहीं कर रही, मैच कर रही हो अपना आंसर. कनिष्क रुक जा. वेदिका लाइक टर्म्स दिख रही है कोई ऊपर? यस मैम. 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18. 18 और कोई दिख रही है? यस मैम रूट 15. रूट 15 वाली. दिस मींस 3 टाइम्स रूट 15, 1 टाइम रूट 15. दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे. तो कितनी बार हो गया रूट 15? 4 टाइम्स रूट 15. और 5 में से 3 गया 2. अब आप ना एक काम कर सकते हो, एलसीएम को नीचे अलग अलग कर दो. अब काटना, भगवान के लिए ऐसे मत काट देना कि 2 को इससे काट दिया 9, ऐसे नहीं. पहले एलसीएम अलग अलग करो. तो ये क्या बन जाएगा? 9. ये 2 और 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा. तो यहाँ बच जाएगा 2 root 15. दिस इज योर फाइनल आंसर. एक बार देख लो, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो. कनेश आपने पता नहीं क्या किया था. आप ये वाला स्टेप. हाँ हर्षिल आप और कनिष्क आप, ये वाला स्टेप आप लिखते ही नहीं हो. और फिर मैं चेक करूं जब आप एग्जाम, अभी तो चलो प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपको बोल देती हूँ कि दोबारा करो. एग्जाम में तो सारा गलत. आप ये स्टेप क्यों नहीं लिखते के? हर्षिल क्यों आलसी हो आप ये स्टेप लिखने के? अगर आप ये स्टेप लिखोगे तो आप बेटर कर लोगे अपना आंसर जी. कौन कौन नोट डाउन कर रहा है इसको? एक तो कनिष्क कर रहा है, और कौन कर रहा है? सहाना? नहीं. नो मैम. ओके.